हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टडी आईक्यू के आज के इस वीडियो में हम 68 बीपीएस का आगाज़ कर रहे हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं स्टडी आईक्यू ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है पी सारथी इस पर ऑलरेडी लगभग इक्कीस लोग हमसे जुड़ चुके हैं दो तो ही दिनों में ये हमने दो या तीन दिन पहले बनाया था चैनल और ये सिर्फ पी के स्टूडेंट्स के लिए है तो अगर आप पी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ पी याद रखिए ये चैनल सिर्फ पी के लिए है किसी और एग्जाम के लिए नहीं है ये लोअर पी के लिए भी नहीं है ये सिर्फ अपर पी के लिए है अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य के पी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब पी के वीडियो स्टडी आई के मेन चैनल पर नहीं आएंगे वो पी सी सारथी पर ही आएंगे आप जैसे बिहार पी अब सिक्सटी एट आने वाला है जनवरी में यूपी पी या मध्य प्रदेश पी उत्तराखंड पी जो भी इम्पॉर्टेंट पी सी हैं इंडिया के हम उन सब को कवर करेंगे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जम्मू कश्मीर पी असम पीसीएस, आसाम पी त्रिपुरा पी महाराष्ट्र पी सी एस ए तेलंगाना पी तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हम कवर करेंगे उस पर और हमने ऑलरेडी वीडियो डालने उस पर शुरू कर भी दिए हैं लिंक मैंने नीचे दे दिया है अगर आपको लिंक आ, आसानी से कई बार नहीं मिलता या दूसरे फर्जी चैनल होते हैं उसी नाम से तो मैं मैंने नीचे लिंक दे दिया है एक बार सुनिश्चित कर लेना कि जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है वो जो चैनल है उस पर लगभग इक्कीस हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर होंगे तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में तो तुरंत आप उसको सब्सक्राइब करें और जो भी हम पी के लिए फ्री कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी कॉन्टेंट वहाँ पर डालेंगे उससे आप लाभान्वित हों तो मिलते हैं आपको पी सी पर और अब आप इस वीडियो को इन्जॉय कर सकते हैं ये जो वीडियो है ये वीडियो बिहार के सभी इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग हैं वो आपको बताएगा काफ़ी डेप्थ में है और ये विद फेस डिजिटल बोर्ड पर तैयार किया गया है सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट लाइव क्लास फॉर सिक्सटी बीपीएससी एग्ज़ाम आपका जो सिक्सटी बीपीएससी एग्ज़ाम है वो जनवरी में शेड्यूल्ड है आई होप कि जनवरी में ही हो पिछली बार की तरह डिले ना हो इस बार और मैं काफ़ी सारे टॉपिक बिहार के आपको उसके लिए पढ़ाऊँगा कल मैंने एक वीडियो डाला था बिहार का जिसमें बिहार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक ज़िला एक उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया था और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है बिहार के जी टैग्स हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं इनफैक्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार का कुछ दिन पहले ही उसमें भी क्वेश्चन आए हैं जीआई टैग या डायरेक्टली भागलपुर सिल्क सिटी इस तरह के क्वेश्चन देखे गए थे तो हम सारे देखेंगे कंप्लीट क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंडिया का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जी टैग मिला था बिहार का कौन सा है जिसको जी टैग मिला था ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसे कवर करेंगे ये लाइव क्लास है तो मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके जो कमेंट्स हैं तो आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं ठीक है और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के दौरान उसका आंसर आपको कमेंट्स में जब आप लिखेंगे तो फिर मैं जो भी सही आंसर देगा उसका नाम पढ़ के भी बोलूंगा मेरे सामने एक स्क्रीन लगी है जिसपे मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं ठीक है तो शुरू करें वीडियो तो शुरू करते हैं 68 एट वीडियो नंबर टू जी आई टैग्स ऑफ बिहार सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो जी आई टैग है वो कंसेप्ट कहाँ से आया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जो डब्ल्यू है उनका एक एग्रीमेंट है जिसे हम ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलते हैं यहाँ पे ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट नाइन एग्रीमेंट फोर में यह कंसेप्ट आया था जी आई का इट वॉज इन दाइनटीन नाइनटी फोर की आया था और इस कॉन्सेप्ट ने जी टैग की जो डेफिनेशन है वो क्या दी यहाँ पे जी टैग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए कि आपको एक माइंड में क्लियर हो जाए कि जी आई टैग वास्तव में होता क्या है सो डब्लू टी ओ डिफाइन करता है जी आई जी आई की फुलफॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई अ गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर और रीजन और अकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेर एंड गिवन क्वालिटी रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड इज असेंशियलीट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्रफिक ओरिजिन ये आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी मैं बड़े सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम ये उसको प्रूव कर पाए कि इस प्रोडक्ट की जो विशेषता है या तो उसका कोई विशेष स्वाद हो सकता है या विशेष क्वालिटी हो सकती है अगर हम ये प्रूव कर पाए कि वो उस प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर जगह के होने की वजह से है तो फिर उसको जीआई टैग बोलते हैं इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं जोग्रफिकल यानी भौगोलिक मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई एक खास प्रोडक्ट है ये उस जगह का फेमस है तो ये प्रूव करना होता है जब जी आई के लिए अप्लाई करते हैं कि उस प्रोडक्ट की वो क्वालिटी वो कोई खाने का प्रोडक्ट हो सकता है हैंडीक्राफ्ट हो सकता है हस्तशिल्प हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती है वो कोई प्रोडक्ट होगा टेंजिबल प्रोडक्ट होगा तो उसकी कोई विशेष क्वालिटी उस जगह का वो है इसीलिए है तो ये प्रूव करना होता है और अगर ये प्रूव आप कर पाते हैं तो फिर आप जी टैग आपको मिल जाता है जी टैग के लिए अप्लाई करना होता है और फिर जी टैग का अप्रूवल मिल जाता है इज दैट क्लियर टैग क्या होता है तो ये बहुत जरूरी है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उस विशेष जगह के होने से हो और जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है फिर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है अब जीआई टैग जो है इसका सरकार एक लोगो बना दिया है सरकार ने इसका ये लोगो है जो आप यहां पे देख सकते हैं और जीआई टैग की जो टैगलाइन है वो क्या है तो जी टैग tag की टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इन वेल्युएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया ठीक है ये एम में आती है तो ये अच्छे से याद कर लो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इन वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बिहार का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था और आपके चार ऑप्शंस हैं मधुबनी पेंटिंग खतवा जो एप्लिक वर्क होता है बिहार का सुजनी जो एम्ब्रॉयडरी होती है या भागलपुर का सिल्क आप इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट्स में लिख के बताइए और फिर मैं जो सही आंसर देंगे उनका नाम भी लूंगा मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन लगी है मुझे आपके आंसर दिख रहे हैं बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बिहार का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था नहीं इसका आंसर ज्यादातर लोग जो हैं वो गलत दे रहे हैं तो इसका आंसर है मधुबनी पेंटिंग ठीक है आंसर है इसका ऑप्शन ए ठीक है चलिए अगले सवाल पे आते हैं तो मधुबनी पेंटिंग को कब मिला था मधुबनी पेंटिंग को मिला था 16 मई 2007 देखो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे बिहार की जो जोग्राफिकल जो 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 इंडिकेशन टैग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे दो डेट लिखी होती हैं एक डेट होती है जिसमें जब हम अप्लाई करते हैं वो डेट लिखी होती है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आपने सुना होगा अभी जो मिथिला मखाना है उसे जी टैग मिला है आवेदन कब दिया था 2020 में और मिला कब है 16 अगस्त 2022 को तो जो डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो वो ये नहीं है कि कब आवेदन दिया था कब मिला राइट तो मधुबनी की जो पेंटिंग है उसे 16 मई 2007 को मिला था जो खटवा वर्क है इसे 2007 लेकिन 23 नवंबर सुजनी एम्ब्रॉयडरी को भी 2007 लेकिन 23 नवंबर और भागलपुर से तो काफी बाद में मिला है 2013 15 जनवरी तो इसका आंसर है मधुबनी पेंटिंग चलिए एक सवाल और पूछता हूँ आपसे यहाँ पे कि पहला प्रोडक्ट इंडिया का कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला था यह कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है देखते हैं इसका आंसर मुझे कौन बताता है कि पहला प्रोडक्ट इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला था मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर आंसर लिखें तो एक ही बार लिखें जो चैट विंडो है उसे स्पैम ना करें यह मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी बताइए यस yes, इसका आंसर सब ठीक दे रहे हैं तो इसका आंसर है दार्जिलिंग की चाय क्या आप यह भी बता सकते हैं मुझे कि दार्जिलिंग की जो चाय है उसे कौन से साल में जीआई टैग मिला था क्या आप ये मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं तो दार्जिलिंग की जो चाय है इसे 2003 में जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का अगर मैं शहर की बात करूं और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो आसाम है लेकिन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है इज दैट क्लियर चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो बिहार का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मैं आपको आज बताऊंगा वो है शाही लीची मुजफ्फरपुर की मेनली तो ये मुजफ्फरपुर में होती है लेकिन उसके अलावा जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पूर्वी चंपारण वैशाली समस्तीपुर और बेगूसराय यहाँ पर भी ये ग्रो की जाती है तो शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर की इसे 2018 5 अक्टूबर को जीआई टैग मिला था ये अपने एक बहुत ही विशेष स्वाद और विशेष गंध के लिए जानी जाती है इज दैट अंडरस्टूड और अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बीपीएससी में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ठीक है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची तो यह भी मुजफ्फरपुर में है यह बीपीएससी में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पर है और बिहार एक समय था जब भारत का लगभग 75-80 परसेंट लीची बिहार से आता था पूरे इंडिया का लेकिन अब लगभग 40-45 परसेंट के आसपास है यानी 40-45 परसेंट जितनी भी लीची का उत्पादन भारत में होता है तो वो बिहार से आती है और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है ठीक है फोटो दिखाऊं चलो आपको ये देखिए फोटो बिहार कृषि महाविद्यालय या बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है भागलपुर ठीक है वही भागलपुर जो गंगा नदी के किनारे है पूर्वी बिहार वही भागलपुर जहा जहा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वही भागलपुर समझ में आया तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है सबौर भागलपुर में है यह भी एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है चलिए अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो हमारे आज के वीडियो से रिलेटेड नहीं है लेकिन हम चीजें कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है लीची जब आप खाते हैं तो लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं लीची का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है यानी एडिबल पार्ट लीची का कौन सा है बताइए मुझे आपके ऑप्शन है मेजोकार्प, फ्लैशी एरिल फ्लावर या थैलेमस। तो कौन सा पार्ट जो है आप लीची का उसका सेवन करते हैं देखते हैं इसको कौन बताता है मुझे आ, इसका आंसर बताइए तो ज्यादातर लोग इसका आंसर ठीक लिख रहे हैं रजत अजीत यास्मीन जूलियस सीजर ये मुझे जूलियस सीजर नाम देख के वेदी वीसी याद आ गया कि मैं जहां भी गया मैंने विजय पाई यस तो आंसर है फ्लैशी एरिल ठीक है? मीजो कार्प जो है ये हम मैंगो का खाते हैं आम का फ्लावर हम खाते हैं केसर का यानी जो केसर होता है ना कश्मीर में मिलता है केसर थैलेमस हम खाते हैं एप्पल का इज दैट अंडरस्टूड चलिए आगे बढ़ते हैं चलो ये बताओ एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बिहार के बाद भारत में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बिहार के बाद भारत में लीची सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे होती है देखते हैं इसका आंसर चैट विंडो में कौन बताता है आपके ऑप्शन है झारखंड त्रिपुरा बंगाल या असम कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये आपको बताना है बिहार के बाद कौन सा है तो इसका आंसर जो है अभी तक एक ही बच्चे ने सही दिया है और वो है रजत वेल डन रजत आंसर है इसका वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल ठीक है है बिहार के बाद दूसरे नंबर पे है, आगे बढ़ते हैं अब जो अगला मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं बिहार का जिसे जीआई टैग मिला हुआ है वो है सिलाओ खाजा तो सिलाओ जो है वो एक जगह का नाम है ये ध्यान रखिए सिलाओ जो है ये एक जगह का नाम है इट इज अ प्लेस खाजा जो है ये मिठाई का नाम है नालंदा और राजगीर दो जगह पर यह मिठाई पॉपुलर है और इसको 2018 में जीआई टैग मिला था यह बनती है आटा मैदा घी इलायची वगैरह से डाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और इसमें कई परतें आपको दिख रही होंगी तो इसमें कई परत होती हैं कई बार ऐसा बोलते हैं कि बावन परत होती हैं इसमें लेकिन अलग अलग कहानियां हैं इसमें और भगवान बुद्ध को भी ये प्रसाद के रूप में ये जो मिठाई है वो ऑफर की गई थी जब वो जा रहे थे राजगीर से नालंदा इस तरह की मान्यताएं भी हैं तो सिलाओ खाजा नालंदा से है आपको लोकेशन याद रखनी है नालंदा के अलावा राजगीर में भी ये मिठाई लोकप्रिय है और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता होगी डेफिनेटली कि जगन्नाथ जो मंदिर है पूरी उड़ीसा में वहां पर भी ये मिठाई का सेवन होता है प्रसाद वगैरह के तौर पर या ऑफरिंग के तौर पर यह मिठाई वहां भी लोकप्रिय है चलिए अब हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की ये जो मिथिला रीजन है वहां से आती है मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जगह है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल बॉर्डर नॉर्थ बिहार एकदम ठीक है तो इसे 2007 में मिला था ये पहला आ, पहली चीज़ है बिहार की जिसे जीआई टैग मिला था हस्तशिल्प मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग वैसे तो बहुत पुरानी है बहुत ही ज्यादा पुरानी है लेकिन आधुनिक रूप में इसको खोजा था एक ब्रिटेन के ऑफिसर थे विलियम आर्चर इन्होंने नाइनटीन में जब ये वहां गए थे मधुबनी वहां पर देखा कि लोग जो हैं इसे दीवारों पर बना रहे हैं और एक समय था जब मधुबनी पेंटिंग दीवारों पे की जाती थी यानी म्यूरल पेंटिंग होती थी सीधी दीवारों के ऊपर लेकिन अब तो ये कपड़ों के ऊपर की जाती है कई जगह पे की जाती है फैब्रिक के ऊपर की जाती है क्लॉथ पे की जाती है तो कई चीजों के ऊपर ये की जाती है फिर मधुबनी पेंटिंग करने वाले जो फेमस आर्टिस्ट हैं कम से कम चार पाँच के नाम आपको पता होने चाहिए जिनमें सबसे मुख्य हैं गोदावरी दत्ता महासुंदरी देवी गंगा देवी सीता देवी जगदम्बा देवी और करपुरी देवी इनफैक्ट 2019 में जब कर्पूरी देवी का निधन हुआ था तो मैंने मुझे याद है करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि कर्पूरी देवी का निधन हो गया ओबीचोरी में कि उनका संबंध किस आर्ट से था किस चीज से था तो आंसर था मधुबनी पेंटिंग ये क्लियर है आपको मधुबनी पेंटिंग चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करते हैं एपलिक या खटवा वर्क जिसे बोलते हैं ये कोई एक जगह का नहीं है ये बिहार में कई जगह पॉपुलर है एपलिक वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ पहले फोटोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये कपड़ों के ऊपर सीधा नहीं किया गया ये किसी दूसरे क, जो कपड़ा है उसकी कटिंग की हुई है और फिर यहाँ पे स्टिच किया हुआ है इसे एपेलिक वर्क बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कुछ आपको मैं जगह बता देता हूँ बिहार में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो कई जगह है जैसे दरभंगा पटना सीतामढ़ी मधुबनी इत्यादि ठीक है एपेलिक वर्क इसको दो में जी टैग मिला था और फिर ये ये बाद में दस साल के बाद दोबारा अप्रूव करवाना पड़ता है जीआई टैग तो अप्रूव भी हो गया था जिन जिनको भी 2007 में जीआई टैग मिला था जिन भी चीजों को सबका अप्रूव हो गया है 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 साल के बाद तो ये एपेलिक वर्क है, बिहार में जो है इसका ओरिजिन हुआ था और इसे डेकोरेटिव टेंट्स या जो शामियाने होते हैं कैनोपी वॉल हैंगिंग वगैरह ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता था तो एपेलिक वर्क ऑफ बिहार इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है ये पूरे बिहार का ही है बहुत सारी जगह पे होता है तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है लेकिन जो चार मुख्य हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं दरभंगा पटना सीतामढ़ी और मधुबनी चलिए अब हम बात करते हैं एक और बिहार का हैंडीक्राफ्ट है जिसको अगेन 2007 में जीआई टैग मिला था ये है सुजनी एम्ब्रॉयडरी ये मेनली मुजफ्फरपुर और मधुबनी दो जगह पर की जाती है मुजफ्फरपुर और मधुबनी लेकिन उसके अलावा और भी जिले हैं बिहार के जहां पर ये पॉपुलर है लोकप्रिय है तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ ये देखिए एम्ब्रॉयडरी जो की हुई है यहाँ पर कपड़ों के ऊपर ये बहुत पॉपुलर है और इसे यूनेस्को सील ऑफ भी मिला था जिसे हम सील बोलते हैं, 2019 में और ये कहां हुआ इसका? तो एक गांव है, 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 तो है, है? मुजफ्फरपुर में गई घाट जो एरिया है मुजफ्फरपुर का वहां पर है ये इज दैट क्लियर तो मुजफ्फरपुर में भूसूरा गांव से उत्पत्ति हुई थी सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क की और एंशियन टाइम्स में आ, बहुत अलग अलग तरीके से ये की जाती थी कपड़ों के ऊपर कपड़ों को काट कर नए कपड़ों के ऊपर जो है वो कटिंग्स पुरानी साड़ियाँ वगैरह जब घर में बच्चा जन्म लेता था तब ये काफी पॉपुलर होती थी पुरानी साड़ियाँ या जो पुराने कपड़े हैं उनसे कटिंग की जाती थी और उसके बाद उसको पैच कर दिया जाता था किसी दूसरे कपड़े पे तो इस तरह से भी ये की जाती थी राइट उसके बाद बात करते हैं भागलपुर का सिल्क इसे 2013 में जीआई टैग मिला था भागलपुर को सिल्क सिटी बोलते हैं ये क्वेश्चन अभी चार पाँच दिन पहले बीपीएससी के एग्जाम में आया था भागलपुर वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगह है जहां का सिल्क फेमस है हम बनारसी साड़ी की बात करते हैं बनारसी सिल्क हम मूगा सिल्क 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 की बात करते हैं, एरी सिल्क की बात बात करते करते हैं हैं एरी मूगा मेनली असम में होता है कौन कौन सा सिल्क होता है इंडिया में तो एक तो एरी सिल्क होता है एरी सिल्क आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है मेघालय आसाम अरुणाचल वगैरह वहां मिलता है एक होता है मूगा सिल्क मूगा सिल्क आपको मेनली असम में मिलता है नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर असम में मिलता है ठीक है जो भागलपुर का सिल्क है वो टसर सिल्क होता है जिसको हम टसर सिल्क बोलते हैं और भारत में सबसे ज्यादा जो सिल्क होता है यानी सबसे ज्यादा जो रेशम होता है वो कौन सा होता है तो वो होता है मलबेरी सिल्क भारत में नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा जो सिल्क होता है वो मलबेरी सिल्क होता है और बहुत सारी जगह है जहाँ का सिल्क मशहूर है मैसूर सिल, सिल्क कांचीपुरम सिल्क राइट गोपालपुर एक जगह है उड़ीसा में वहाँ का जो सिल्क है वो भी बहुत मशहूर है तो बहुत सारे लोकेशन है इंडिया के जहाँ का सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है जो भागलपुर में सिल्क होता है वो टसर सिल्क होता है भागलपुर का ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और उसको बोलते हैं जरदालू आम तो जरदालू आम जो है ये पहली बार इसकी इस इसकी जो कल्टीवेशन है यानी इसको ग्रो करने की जो तकनीक है वो शुरू करी थी जो महाराजा रहमत अली खान बहादुर ये खड़गपुर के जो हैं महाराजा थे तो ऐसा माना जाता है इन्होंने ही पहली बार शुरू करवाया था जरदालू आम जो है उसका उसकी कृषि उसका उगाना उसका हॉर्टिकल्चर क्रीम येलो कलर का यह मैंगो होता है बहुत ही विशेष, इसका स्वाद और खुशबू है 2018 में से जीआई टैग मिला था तो ये भागलपुर का है भागलपुर का जरदालू आम अब भागलपुर का एक चावल होता है जो सिर्फ भागलपुर में ही नहीं होता बल्कि जलोढ़ मिट्टी जहां पाई जाती है यानी अलुवियल सॉइल जहां पाई जाती है तो ये बांका मुंगेर और साउथ भागलपुर में होता है लेकिन भागलपुर उत्पादक संघ को जीआई टैग मिला है तो अगर एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में आ जाए तो आप भागलपुर मार्क करेंगे कतरनी चावल कतरनी चावल बोलते हैं कतरनी चावल को 2018 में जीआई टैग मिला था और इसकी बहुत अलग शेप भी होती है कतरनी एक औजार होता है जिसमें एक तरफ से ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ होता है वो औजार तो उसी तरह की चावल की इसकी थोड़ी सी शेप होती है इसलिए इसे कतरनी चावल कहा जाता है इज दैट क्लियर तो ये भी भागलपुर उत्पादक संघ है जिसे जीआई टैग मिला था लेकिन भागलपुर के अलावा ये बांका और मुंगेर में भी ग्रो होता है काफी एक्सटेंसिवली उसके बाद बात करते हैं मगही पान मगध का जो इलाका है बिहार में राइट कौन कौन से जिलों में मशहूर है ये तो औरंगाबाद गया नवादा और नालंदा तो ये चार जगह पे होता है मगही पान यानी बीटल वाइन आप इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बीटल वाइन तो इसे भी 2018 में मिला था 28 मार्च एक ही दिन मिला था इनको कतरनी चावल को भी और मगही पान को भी तो मगही पान के लोकेशन है औरंगाबाद गया नवादा और नालंदा मगध इलाका है जो है उसके बाद सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट ये इम्पोर्टेंट है सिक्की की जो घास होती है इसको निकाल लिया जाता है उसके बाद उसे उबाल लिया जाता है उसके बाद उससे हैंडीक्राफ्ट बनते हैं कई तरह की टोकरियाँ चटाई वगैरह ये सब चीजें बनती हैं बास्केट बनती है इसको 2007 में जीआई टैग मिला था और सिक्की जो है ये मेनली जो नॉर्थ बिहार है वहां पर ख़ास तौर पे जो जो मिथिला वाला एरिया है वहां पर ये घास होती है थोड़े से जो मार्शी एरियाज होते हैं थोड़े दलदली थोड़े कीचड़ वाले जो इलाके होते हैं थोड़े से गीले जो इलाके होते हैं वेटलैंड्स वहां पर ये घास मेनली ग्रो होती है बिहार में मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस एरिया की बात हो रही है यहाँ से आप इसको ऐसे ले जाइए जो जो, जो मिथिला वाला जो इलाका है रफली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलाके की बात हो रही है और जो मैंने आपको ये ये मगही इलाका है राइट ये मिथिला वाला इलाका है तो यहाँ पे मधुबनी में काफी होती है सिक्की ग्रास और सीतामढ़ी में भी होती है अररिया में बहुत होती है सुपौल में काफी होती है तो खास तौर पे जो नेपाल से लगते हैं जो बिहार के जिले वहां पर सिक्की घास काफी ज्यादा ग्रो होती है और उससे कई तरह के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं और अब सबसे लेटेस्ट मिथिला मखाना मिथिला में हम बोलते हैं कि यह आपने सुना होगा पान माच और मखान ये तीन चीजें वहां की मशहूर हैं वैसे तो मगही पान को मिला है तो वहां का भी मशहूर है लेकिन मिथिला में भी बोलते हैं पान माच और मचान माच मतलब होता है मछली तो मिथिला में जो तौर पे मछली खाई जाती है सबसे फेमस है रोहू ठीक है इनफैक्ट वो रोहू मछली के लिए भी जीआई टैग की कोशिश कर रहे हैं मखान मतलब मखाना और पान मतलब पान तो मिथिला मखाना को 16 अगस्त के दिन जो है वो जीआई टैग मिला था इस दिन हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल उन्होंने इसको ट्वीट भी किया था तो मिथिला मखाना मखाना को हम फॉक्स नट भी बोलते हैं और बिहार में ये जो कोजागरा पूजा होती है मैथिली ब्राह्मण उस दिन इसको भेंट करते हैं एक दूसरे को इज दैट अंडरस्टूड तो ये है मिथिला मखाना अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बहुत दुर्लभ हैं जो आसानी से नहीं मिलेंगी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने ये पाया कि बिहार के और बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको जी टैग मिल सकता है बहुत जल्दी अभी मिला नहीं है मैं रिपीट करता हूँ ये फ्यूचर के जी टैग हैं इनको अभी मिला नहीं है लेकिन मिल सकता है बहुत जल्दी और जब भी मिलेगा तो पी सी सारथी पर मैं आपको सबसे पहले वो पढ़ा दूंगा ठीक है कौन कौन से हैं ये आइए एक बार नाम देख लेते हैं इनके भोजपुर का खुरमा भोजपुर में एक जगह है उड़वंत नगर तो यहाँ का जो खुरमा मिठाई होती है उसे जीआई टैग मिल सकता है आने वाले समय में गया का तिलकुट ठीक है गया का तिलकुट फिर रुन्नी सैदपुर गांव है सीतामढ़ी में यहाँ की बालूशाही इन्होंने भी आवेदन दिया हुआ है ठीक है रुन्नी सैदपुर की बालूशाही फिर नालंदा की बावन बूटी साड़ी नालंदा की बावन बूटी साड़ी उसके बाद गया गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट वहां पत्थर को जो पत्थर को कार्व करके जो तराश के जो क्राफ्ट बनाए जाते हैं जिन्हें पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट बोलते हैं गया के इनको भी जीआई टैग मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में मिथिला की रोहू मछली जैसा मैंने बताया इसको भी जीआई टैग मिल सकता है और हाजीपुर का केला जिसे छिनिया केला बोलते हैं इसे भी जीआई टैग मिल सकता है तो ये जो टेबल है इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए अगर लिखना नहीं चाहते लिखना नहीं चाहते तो वहां पर एक बात याद रखिए पीडीएफ शेयर होगा इसका प्रिंट आउट ले लेना या इसका जो पीपीटी शेयर होगा हमारे पी सी टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ से आपको इसका जो है वो मिल जाएगा पीपीटी भी और पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे ठीक है तो ये हमारा वीडियो था जीआई टैक्स का कंप्लीट बिहार भि, पीएससी एग्जाम के लिए 68 बीपीएससी जनवरी में जो होगा इस तरह के बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मैं लाता रहूंगा आपके लिए अगर आपकी कोई विशेष डिमांड है बिहार को लेकर बिहार ज्योग्राफी मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा बाकी कोई भी अगर आपकी विशेष डिमांड है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं हम वो वीडियो हाई क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सिक्सटी एट बी के लिए, लिए लेकर आएंगे और आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप दो तीन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उनका जवाब आपको कमेंट्स में लिख के देना है ठीक है क्वेश्चन है मेरा ये है कि बिहार में जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है ये मेरा पहला क्वेश्चन है वो कौन सी जगह पर है बिहार में जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है नेशनल लीची रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है ये बताइए बिहार में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है ये बताइए और बिहार में कौन सा जिला है जिसकी बालूशाही को जीआई टैग मिल सकता है आने वाले समय में ये भी कमेंट्स में लिख के बताइए देखते हैं इनके आंसर कमेंट्स में लिख के कौन बताता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइव आज मैं आया जो भी लोग मेरे साथ जुड़े यहाँ पर लगभग सौ लोग मेरे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल के बारे में ज़रूर अपने बिहार के दोस्तों को बताइए हम यहाँ पर पी के लिए बहुत हाई क्वालिटी कॉन्टेंट लाने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही है इंग्लिश में बाई होंगी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको लिखी रहेंगी इसका अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अब तक वो ज्वाइन कर लीजिए आपको इसका पीडीएफ और पीपीटी पी वहाँ पर मिलेगा और पीपीटी मैंने इनफैक्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया था क्लास से पहले ही मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ अगर आपने पी सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आएंगे सिक्सटी एट के लिए ये हमारा डेडिकेटेड चैनल है डेडीकेटेड ब्रांड है जो हमने स्टेट पी एग्जाम्स के लिए बनाया है नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दिया गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो